भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, आज आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पीडब्ल्यूडी का, अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का। उसके लिए सबसे पहला केवाईसी रजिस्ट्रेशन लगता है। आपको केवाईसी तीन प्रोसेस होके आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहला केवाईसी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जिसका फीस 1000 है, उसके बाद आपका एक अपेंडिक्स बी भरना पड़ता है फॉर्म, जहाँ पे सभी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, और बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पीडब्ल्यूडी से। ये सभी प्रोसेस ऑनलाइन है। जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पीडब्ल्यूडी, आपके जो पीडब्ल्यूडी नियरेस्ट ऑफिस है आप चूज करते हैं, वहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होता है, आपको फिर से 22000 का एक पेमेंट करना पड़ता है। वहाँ पे 20000 डिपॉजिट और 2000 पोर्टल फीस, ऐसे करके 22000 का पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप 22000 का पेमेंट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ये अभी आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ये हार्ड कॉपी आने में आपका नॉर्मली 15 to 1 month का टाइम लगता है, जो आपको हार्ड कॉपी बाय कुरियर आपके घर पे आता है। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। बाहर ये आप करने के लिए गए तो कहीं 50000 से लेके 75000 तक चार्जेस है। ये आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 23000 में पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा पीडब्ल्यूडी का। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के लिए कहीं पर भी कोई पैसा लेना नहीं पड़ता और बहुत ही इजी प्रोसेस है। चलिए आज हम इसको वीडियो के थ्रू से देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में सबसे पहले केवाईसी रजिस्ट्रेशन, जिसका फीस 1000 है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्कैन कॉपी रजिस्टर, आपका स्कैन आईडी स्कैन कॉपी लगेगा। फिर अपेंडिक्स सी में फोटो लगेगा, डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट का फाइनल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो हम पीडब्ल्यूडी के साइट पे जाते हैं, mahapwd.com। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर में जाता हूँ, यहाँ पे सिविल, यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी कर सकते हैं, सिविल है तो सिविल। मैं यहाँ पे सिविल देख रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के लिए। सेम यहाँ पर प्रोसेस कॉन्ट्रेक्टर के लिए भी है। यहाँ पे सबसे पहला रजिस्टर न्यू का बटन है, यदि आप नया रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्टर न्यू कीजिए। और जैसे रजिस्टर न्यू करते हैं, रजिस्टर हेयर, ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आ गया है, जिसको वेरीफाइड करेगा। ये जैसे ही भरेंगे 1000 rupees आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिए, आप पहले ही आप करके रख लीजिए। यहाँ पे नाम, आपका फॉर्म कभी चालू हुआ, यदि आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर है तो आपने मार्कशीट में जो आपका डेट है वही डेट आप डालेंगे, जो भी मार्कशीट का डेट है। कंपनी का पेन नंबर, आपका जो खुद का इंडिविजुअल है, अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर खुद का होता है तो खुद का पेन नंबर, एड्रेस, जो आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो एड्रेस, सिटी ब्राउज कीजिए आप वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे आधार कार्ड ले लिया। मोबाइल नंबर जो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए लगेगा वो सभी मोबाइल नंबर। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन टाइप है तो मैं यहाँ पे कंपनी छोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर ले लेता हूँ। और साथ में आपका यहाँ पे कहाँ के आपका नियरेस्ट है डिवीजन, वो डिवीजन का नाम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, जो इसको आप लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड यूज करेंगे वो पासवर्ड, और फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करके हमको यहाँ पे क्लिक टिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 1000 rupees पे करना पड़ेगा। फिर आपका अपेंडिक्स सी का, आपको अपेंडिक्स बी का आपको फॉर्म आएगा, वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने के लिए मिलते हैं। जब तक आप 1000 rupees पे नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। हमारे पास इसके क्लासेस भी चालू है, टेंडर कैसे भरते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे आप जब करते हैं तो आपको ये फ्री में हम यह प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोर्स का 5000 fees है, जहाँ पे टेंडर भरने से लेके सभी रजिस्ट्रेशन वगैरह का सबके प्रोसेस, टेंडर भरने के लिए सेटिंग, डीएससी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, आपको देखिए आप फोटो आपने जो अपलोड किया था वो आ गया। फिर आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने लिस्ट में बताया था, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स एक एक अपलोड करना है। ये PDF या JPG दोनों फॉर्मेट में लेता है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं।
साइज 2 MB से नीचे होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके अपलोड करना है, तो वहाँ पे फील्ड दिया हुआ है उसके हिसाब से आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड कर देने का है। सेम प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बदल जाएगा, जहाँ पे आपको वर्क डन, सॉल्वेंसी, ये बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बदलेगा, पर प्रोसेस दोनों का सेम है। एक अभी सुपरवाइजर के लिए भी है, जिसका आपको लिमिट 15 लाख तक मिलता है स्टार्टिंग में, तो सुपरवाइजर का करने का है तो सुपरवाइजर के लिए भी सेम है। आप वहाँ पे पहले खाली आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का जगह पे सुपरवाइजर चूज करने का है। आप यहाँ पे सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का इंजीनियर का एक बेनिफिट ये है, उनका मुझे जो रजिस्ट्रेशन है वो विद इन ए मंथ अपने को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसके लिए ज्यादा अपने को तकलीफ नहीं होता है। तो देखिए मैं अभी एक एक डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद इसको सबमिट कर दूंगा। फिर बाद में मुझे इसका अपॉइंटमेंट का आएगा, जो हर एक वीक के ट्यूजडे को मुझे अपॉइंटमेंट मिलता है, और आप वहां से अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। जिस दिन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने का है, ओरिजिनल कॉपी दिखाने के लिए आप वहां सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। जैसे वेरीफाई करके वो वेरीफाइड कर देगा, वेरीफाइड करने के बाद आपको सेम आपको एक तो यहां पे पोर्टल खोलेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, आपको यहां पे पेमेंट करने का पोर्टल मिलेगा, जो 22,000। जैसे 22,000 पेमेंट करेंगे, अप्रूवल होने के बाद 22,000 पेमेंट कर देंगे कि आपको राइट साइड में आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और ओरिजिनल आने के लिए आपको 1 मंथ का लगेगा। आप प्रोविजनल के बेस पे भी आप टेंडर फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया तो आप अपना टेंडर फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हैं। और हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास क्लासेस भी अवेलेबल है ई टेंडर्स के रिगार्डिंग। आप चाहे तो हमारे ई टेंडरिंग के क्लास में आप भी नीचे बिलो नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ गया, आप क्लिक कीजिए और अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लीजिए। ट्यूजडे का, हर मंथ के ट्यूजडे, हर वीक के ट्यूजडे का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट बुक करने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोसेस के लिए जाना। थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।